फिर नीचे का पाँच बज के 38 मिनट पर मैं घुतरी पहुंचा था, और ये घुतरी है। घुतरी में यहाँ पे एक छोटे से ढाबा पे रुका हूँ चाय पीने के लिए और फ्रेश होने के लिए। चाय वगैरह पी चुका हूँ, फ्रेश हो चुका हूँ, मूड बिल्कुल फ्रेश है, चाय बहुत अच्छी थी। 5:50 हुए हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि 10-15 मिनट यहाँ पे रुकूँगा, तो 15 मिनट के बाद मैं यहाँ से निकल रहा हूँ झांसी के लिए। आज का मेरा सफ़र झांसी में एंड हो जाएगा। चाय पीने के लिए जिस ढाबे में मैं रुका था, तो जिस वक्त मैं यहाँ पे पहुँचा था, उस वक्त सनसेट तो बहुत पहले हो चुका था, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था, यानी रात नहीं हुई थी, अंधेरा हो रहा था, बड़ी तेज़ी से चला आ रहा था, लेकिन रोशनी थी। लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो अंधेरा हो चुका था। हेडलाइट तो उस वक्त भी जल चुकी थी गाड़ियों की, जिस वक्त मैं ढाबा में पहुँचा था, लेकिन अंधेरा नहीं हुआ था। इस वक्त पूरी तरह अंधेरा हो चुका है, सीट सीधी करी है वैसे पूरी तरह। जब मैं वहाँ से निकला, मैं ढाबे में पहुँचा, तो दिन था। जब मैं ढाबे से 15 मिनट के बाद निकला तो रात थी, और इस वक्त 6:10 होने वाले हैं। पूरी तरह अंधेरा हो चुका है, रात का टाइम है, बोर्ड वगैरह पढ़ते नहीं बन रहा है, यानी इतनी रोशनी नहीं है कि लिखा हुआ समझ में आए कुछ, इसलिए मैं जगह बता नहीं पाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर बाद करेरा आने वाला है, लेकिन ज़िला शिवपुरी है। इस वक्त मैं ज़िला शिवपुरी में चल रहा हूँ, आगे करेरा है जो कि शिवपुरी का एक कस्बा है, और आगे एक बहुत बड़ी नदी भी है, वो भी दिखाता हूँ। और ये रहा अमोला ब्रिज, ये अमोला ब्रिज सिंध नदी का ब्रिज है, वैसे तो सिंध नदी ब्रिज नाम होना चाहिए इसका, लेकिन इसका नाम अमोला ब्रिज है। अमोला ब्रिज इसका नाम क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन ये नदी बहुत चौड़ी है, सिंध नदी बोलते हैं इसको, इसका ब्रिज बहुत लंबा है। इस नदी का पानी काफ़ी उफान पे रहता है, जहाँ पे ब्रिज ख़त्म होता है, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में रोड के करीब तक पानी भरा रहता है। रात को तो नहीं दिखा सकता हूँ, दिन में मैंने दिखाया भी है आप लोगों को। ये वो एरिया हैं ढाबे वाले, यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं। तो जब मैं सुबह यहाँ पहुँचता था, हमेशा सुबह ही पहुँचा हूँ, पहली बार रात को आया हूँ यहाँ पे, तो सुबह 9 बजे से 10 बजे के दरमियान में मैं यहाँ पे आ जाता था, और यहीं के ढाबों में मैं नाश्ता करता था, वो भी पराठा, बहुत भारी पराठा होते हैं यहाँ के, बड़े बड़े साइज़ के और भरे हुए। जो भी पराठा आपको पसंद हो, आलू पराठा, आलू गोभी पराठा, पनीर पराठा, बहुत से किस्म के पराठा मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन इस वक्त ना नाश्ते का टाइम है ना खाने का टाइम है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रुका। ये करेरा है, इस वक्त मैं करेरा में हूँ, और यहाँ से झांसी 55 किलोमीटर है। इस वक्त शाम को 6:30 हुए हैं। लखनऊ 354 किलोमीटर है, चंदेरी 93 किलोमीटर है, कानपुर 269 किलोमीटर है, 269 किलोमीटर। इस वक्त 6:30 हुए हैं। मैं टाइम बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि रात की वीडियो मैं तफसील से नहीं दिखा सकता, कोई देखेगा ही नहीं, बहुत ही शॉर्ट करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
खाना तो मैं झांसी में खाऊंगा, खाने का टाइम मेरा वहीं होएगा। रात को तो बिल्कुल समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ढाबा है, लाइन लगी हुई है, जबकि दिन में पता नहीं चलता है कि यहाँ पे इतने ढाबा हैं, सन्नाटा रहता है, तेज़ी से गाड़ी निकल जाती है, पता नहीं चलता कितने ढाबा निकल गए। रात को तो बहुत ज़्यादा ढाबा दिखाई दे रहा है यहाँ पे लाइट की वजह से। ये गंज दिनारा है, बल्कि गंज दिनारा का लास्ट स्टेज है, एंड है। यहाँ पे एमपी और यूपी की सरहद आ चुकी है, बॉर्डर आ गया है, और यहाँ से एमपी ख़त्म होता है और मैं यूपी में दाखिल होता हूँ। खड्डों की वजह से मैं पहचान जाता हूँ कि हाँ ये बॉर्डर है, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता था कि किस वक्त बॉर्डर से गुजर गया मैं, बॉर्डर कोई बना ही नहीं यहाँ पे, और अगर होगा भी तो कहीं साइड में छोटा मोटा बना होगा बिना छत का। दो नंबर वसूली होती है यहाँ पे, पुलिस वाले खड़े रहते हैं वसूलने के लिए, हम लोगों से तो नहीं ले सकते, ट्रक वालों को सताते हैं। भैया शाम को 7 बज चुके हैं और ऐसा लगता है कि रात को 9 बजे हैं। इस वक्त मैं यूपी में हूँ और जाहिर सी बात है कि अगर यूपी में हूँ तो झांसी में हूँ, क्योंकि एमपी का बॉर्डर ये साइड में झांसी में लगता है, लेकिन झांसी सिटी यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है और इस वक्त मैं झांसी ज़िला में चल रहा हूँ। झांसी सिटी में मैं कोई शॉर्ट नहीं करूँगा, पूरी वीडियो दिखाऊंगा, कुछ भी काटूंगा नहीं। झांसी सिटी के रात देखिएगा, क्योंकि यही रात मुझे मिलेगी, इसके बाद कोई रात मुझे सिटी में नहीं मिलेगी। पहली बार झांसी आ रहा हूँ। ये आ गया है यूपी का पहला टोल प्लाज़ा, बहुत महंगा है, 120 रुपये। इसका नाम है रक्षा टोल प्लाज़ा, बहुत महंगा है। यहाँ से झांसी सिटी स्टार्ट होती है और मुझे इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा। गूगल ने काफ़ी कंफ्यूज किया है मुझे यहाँ पे, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रात को थोड़ी बहुत तकलीफ तो होती है रास्ते पहचानने में, रास्तों को पहचानने के लिए दिन और रात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसा लगता है कि गलत जा रहा हूँ, लेकिन गलत नहीं जा रहा हूँ, लेकिन कन्फ्यूजिंग होती है कि गलत ना चला जाऊँ कहीं। कभी आया नहीं हूँ, डर लगता है कहीं रॉन्ग साइड पे तो नहीं चल रहा हूँ, लेकिन सर्विस रोड है, लोगों को देख रहा हूँ जा भी रहे हैं आ भी रहे हैं। यहाँ पे एक और गलती होती है, जा रहा हूँ सही, लग रहा है कि गलत जा रहा हूँ, मैंने दबा दिया हाईवे की तरफ, लेकिन जल्दी होश आ गया। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूज हुआ हूँ थोड़ा सा, मुझे राइट वाली रोड में जाना था, लेकिन राइट वाली ही रोड में जाना है। यहाँ से मैंने अपनी गलती को सुधार लिया। ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग हुई थी, लेकिन बैक नहीं आना पड़ा मुझे।
शानदार सिटी है ये। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु नगर निगम झांसी आगमन पर आपका स्वागत करता है। अब मुझे बुरा लग गया, हार्दिक स्वागत क्यों नहीं किया, हार्दिक स्वागत करना चाहिए था, मुझे बुरा लग गया। चौक आ चुका हूँ, इसका नाम सही तरीके से मुझे पता तो नहीं चल सका, एलाइट क्रॉसिंग चौक भी बोला जाता है इसको, लेकिन इसका एक और नाम भी है।
ये है जीवन शाह तिराहा, चौराहा होते हैं ना तो उसमें चार ओट होती हैं, ये तिराहा है। और ये नेहरू रोड है, इसी नेहरू रोड से एक राइट को रोड चली जाती है यहाँ से झांसी किला के लिए, ये झांसी किला वाली रोड है। मैंने मैप में झांसी किला ही डाला था, मुझे नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। झांसी किला मुझे कल दिन में घूमना है, इसलिए मैंने झांसी किला लगा दिया। अब किला पहुँच कर फिर मैं होटल तलाश करूँगा रात में रुकने के लिए। तो किला तो आने वाला है और यहीं पे मैं वहाँ पे रुकना वीडियो का एंड करता हूँ। सामने किला है, झांसी किला पहुँच चुका हूँ और इस वक्त 7:35 हुए हैं, शाम को 7:35 हुए हैं और यहाँ पे मैं ऑनलाइन तलाश कर रहा हूँ होटल। बाकी की इन्फॉर्मेशन कल सुबह दूंगा।